दोस्तों, दुनिया में आपको कई ऐसे इंजीनियरिंग मार्वल्स देखने को मिल जाएंगे जिनका कंस्ट्रक्शन हैरान कर देता है, और इन इंजीनियरिंग मार्वल्स की लिस्ट में डैम्स यानी बांध का नाम सबसे ऊपर आता है। डैम्स हमें देखने में जितने आकर्षक और अद्भुत लगते हैं, इन्हें बनाना उतना ही मुश्किल काम होता है। अब यूं तो डैम्स का निर्माण लोगों की भलाई और सेफ्टी के लिए किया जाता है, लेकिन कई बार यही डैम हमारी मौत का कारण भी बन जाते हैं। दुनिया में ऐसे कई डैम्स हैं जिन्हें बेहद खतरनाक माना जाता है, और आज की इस वीडियो में हम आपको दुनिया के ऐसे ही 10 सबसे खतरनाक डैम्स के बारे में बताने वाले हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूरज और आप देख रहे हैं सीक्रेट किंग। वजोंत डैम, इटली। इटली में मौजूद ये बांध वजोंत नदी पर बनाया गया है, इसलिए इसका नाम वजोंत डैम रखा गया है। इस डैम का कंस्ट्रक्शन 1956 में शुरू हुआ था और ये 1959 में बनकर तैयार हुआ, यानी ये तकरीबन 60 साल पुराना बांध है, और इसे बनाने में 6 बिलियन इटालियन लीरा का खर्च आया था। पहाड़ों के बीच में बना ये डैम दिखने में जितना सुंदर लगता है, उतना ही ज्यादा खतरनाक भी है। दरअसल 1963 के दौरान भूस्खलन होने की वजह से इस बांध का पानी छलक कर पीव वैली में घुस आया था, और इस घटना में 2000 लोगों की जाने गई थी। तभी से इसे दुनिया के सबसे खतरनाक डैम्स में से एक माना जाता है। टीटन डैम, यूएसए। अमेरिका का टीटन डैम दुनिया के सबसे बड़े इंजीनियरिंग फेलियर्स में से एक है। इस बांध का निर्माण कार्य 1972 में शुरू हुआ और सिर्फ 3 से 4 साल में कंप्लीट होने के बाद 1976 में इसे ओपन कर दिया गया। इसका कंस्ट्रक्शन कॉस्ट 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर के आसपास रहा था, लेकिन ओपन होने के सिर्फ 2 साल के अंदर ही घटिया मटेरियल और खराब इंजीनियरिंग की वजह से ये बांध टूट गया, और इसके टूटने से जो बाढ़ आई उसने 11 लोगों की जान लेने के साथ ही करोड़ों की प्रॉपर्टी का भी नुकसान कर डाला था। बैंकियाओ डैम, चाइना। चीन की रू नदी पर बनाया गया बैंकियाओ डैम इतिहास के सबसे बड़े डैम फेलियर्स में से एक माना जाता है। ये बांध 1952 में बनकर तैयार हुआ था, लेकिन इसके बाद ये अपने 25 साल भी पूरे नहीं कर पाया। दरअसल 1975 में चीन के इस इलाके के अंदर नीना नाम का एक भयंकर तूफान आया था, जिसने इस डैम को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। और सिर्फ बैंकियाओ डैम ही नहीं, बल्कि इस तूफान की चपेट में 61 और भी बांध आए थे। इस डैम फेलियर से इतनी बड़ी तबाही मची कि इसमें तकरीबन 1,71,000 लोगों की जान चली गई थी। टरबेला डैम, पाकिस्तान। सिंधु नदी पर बना टरबेला नाम का ये बांध पूरे पाकिस्तान का सबसे खूबसूरत डैम है। इस बांध का कंस्ट्रक्शन साल 1968 में शुरू हुआ था और इसे पूरी तरह तैयार होने में करीब 8 साल का समय लगा था। आपको बता दें कि इस विशालकाय डैम को बनाने में तकरीबन 1.5 बिलियन डॉलर्स का खर्च आया था। ये डैम जिस एरिया में बनाया गया है वो सेस्मिकली एक्टिव रीजन यानी भूकंप सक्रिय क्षेत्र है। ऐसे में अगर यहाँ कोई बड़ा भूकंप आया तो इस डैम का पानी तबाही मचा देगा। यही वजह है कि सुंदर होने के साथ ही इसे दुनिया के सबसे खतरनाक डैम्स में शुमार किया जाता है। भाखड़ा डैम, इंडिया। सतलज नदी पर बना भाखड़ा बांध भारत के सबसे पुराने डैम्स में से एक है। इस बांध को बनाने का काम 1948 में शुरू हुआ और 15 साल बाद 1963 में ये बनकर तैयार हुआ। इसे बनाने में तकरीबन 250 करोड़ रुपए का खर्च आया था। पाकिस्तान के टरबेला की तरह ही भाखड़ा बांध भी जिस एरिया में बना है वो भूकंप सक्रिय क्षेत्र है। ऐसे में एक बड़ा भूकंप किसी भी समय इस बांध को तबाही के एक खौफनाक मंजर में बदल सकता है, और ये इस बांध को लेकर चिंता का बड़ा विषय है। आसवान हाई डैम, इजिप्ट। मिस्र की नील नदी पर बना आसवान हाई डैम दुनिया के सबसे बड़े डैम्स में से एक है, और एक समय ये दुनिया का सबसे ऊंचा डैम हुआ करता था। इस बांध का कंस्ट्रक्शन 1960 में शुरू हुआ था और इसे बनने में तकरीबन 10 साल का समय लगा था। साथ ही इसके कंप्लीट कंस्ट्रक्शन में 1 बिलियन डॉलर्स का खर्च आया था। वैसे तो ये डैम बड़ा ही सुंदर है, लेकिन भूकंपीय क्षेत्र होने की वजह से इसे बेहद खतरनाक भी माना जाता है। इस बांध में आया छोटा सा भूकंप भी पूरी नील वैली को तबाह कर सकता है। करीबा डैम, जाम्बिया। जिम्बाब्वे की जाम्बेजी नदी पर बना करीबा डैम दुनिया के सबसे बड़े डैम्स में से एक है। इसे बनाने का काम 1955 में शुरू हुआ था, और ये बड़ी हैरानी की बात है कि इतने बड़े डैम को कंप्लीट होने में सिर्फ लगभग 4 साल का ही समय लगा। उस समय इसकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट 480 मिलियन डॉलर्स आई थी। वैसे तो इस डैम में कोई कमी नहीं है, लेकिन वक्त की मार ने इसे काफी कमजोर कर दिया है, और इसकी यही खस्ता हालत आज इसे दुनिया का सबसे खतरनाक बांध बनाती है। मोसी रॉक डैम, यूएसए।
अमेरिका का मोसी रॉक डैम ऐतिहासिक रूप से एक बड़ा ही विशेष बांध है। इस बांध का कंस्ट्रक्शन 58 साल पहले 1965 में शुरू हुआ था और इसे पहली बार 1968 में ओपन किया गया। चारों तरफ प्राकृतिक वातावरण होने की वजह से दूर से देखने पर ये बड़ा ही सुंदर नजर आता है, लेकिन इसके साथ ही ये काफी खतरनाक भी है। असल में मोसी रॉक डैम को इसकी बड़ी उम्र और जर्जर हालत की वजह से एक बहुत रिस्की बांध समझा जाता है। एक मामूली सा भूकंप भी इस डैम में बड़ी तबाही ला सकता है। हुआ बिन डैम, वियतनाम। वियतनाम की ब्लैक रिवर यानी काली नदी पर बना हुआ बिन डैम 1994 से 2012 तक वियतनाम का सबसे बड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम माना जाता था। हालांकि इसके बाद इसका ये रिकॉर्ड सोनला डैम ने तोड़ दिया था। हुआ बिन डैम का कंस्ट्रक्शन 1979 में शुरू हुआ और पूरी तरह कंप्लीट होने में इसे 15 साल लग गए थे। यानी ये डैम 1994 से अपनी सेवाएं दे रहा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इसे बनाने में 1.5 बिलियन का खर्च आया था। बनाने में 15 ट्रिलियन वियतनामी डोंग का खर्च आया था। लेकिन ये अमाउंट देखकर चौंकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे देश का एक रुपया लगभग 294 वियतनामी डोंग के बराबर है। भूकंपीय क्षेत्र होने की वजह से इसे भी दुनिया के सबसे खतरनाक डैम्स में से एक माना जाता है। फोर्ट पिक डैम, यूएसए। अमेरिका के मोंटाना में लोकेटेड फोर्ट पिक डैम एक बड़ा ही पुराना बांध है जो पिछले 80 सालों से अपनी सेवाएं दे रहा है। इस बांध का कंस्ट्रक्शन 1933 में शुरू होकर 1940 में खत्म हुआ था। यानी सही मायनों में इसे बने हुए 82 साल से भी ऊपर हो चुके हैं और उस जमाने में इसे बनाने का कुल खर्च $100 मिलियन आया था। ये डैम पुराना होने की वजह से काफी खास माना जाता है, लेकिन इसका यही पुरानापन इसे बेहद खतरनाक भी बनाता है। दरअसल एक्सपर्ट्स का ऐसा मानना है कि ये बांध अब इतना मजबूत नहीं रहा जितना ये कंस्ट्रक्शन के वक्त हुआ करता था। उन्हें शक है कि पानी का लेवल बढ़ने और बाढ़ जैसी स्थिति आने पर ये फेल हो सकता है, इसलिए एक्सपर्ट्स हर समय इस पर नजर बनाए रखते हैं। तो दोस्तों, ये थे दुनिया के 10 सबसे खतरनाक डैम्स। आपको इनमें से कौन सा डैम सबसे ज्यादा खतरनाक लगा कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी हमारी आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें। मिलते हैं ऐसी ही एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय बाय।